Okay, this question says tangent and normal are drawn at 16, 16 on the parabola y square is equals to 16x. So एक पैराबोला है विच इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x को ऐसे लिख सकते हैं, तो a बराबर कितना हो गया 4, ठीक है. तो इस पॉइंट में 2at, क्योंकि जो हमने रिजल्ट याद कराए थे पैराबोला के केस में वो t के टर्म्स में काफ़ी थे, 2at बराबर 16, तो हमारा t इज इक्वल्स टू कितना हो गया 4. तो यहाँ पे एक पॉइंट है, वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ठीक है, पॉइंट पी विच इंटरसेक्ट द एक्सेस ऑफ पैराबोला एट ए एंड बी. ओके, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये तो ये ए पे किया गया है और ये बी पे किया गया है, ठीक है. पैराबोला में मैंने तुम्हें, अगर तुम्हें याद हो तो हमने शुरू के 2-3 लेक्चर बाद टेंजेंट की प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ाने में बहुत सारे रिजल्ट याद कराए थे, और हमने क्या बोला था कि स्पेशली मेंस का एग्ज़ाम हो गया या ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो गया, उसमें अगर हम वो रिज़ल्ट याद करें तो हमारा कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगा, ठीक है. तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ हमने प्रॉपर्टीज़ में जाके देखोगे, टेंजेंट की प्रॉपर्टीज़ में जाके देखोगे, तो वहाँ पर हमने काफ़ी डिस्कस कर रखा है. वहाँ पर हमने क्या बताया था कि जैसे ये पॉइंट है वो होता है -80^2, ठीक है. ये कैसे आ गया, टेंजेंट का इक्वेशन होता है टी वाई प्लस एक्स प्लस ए टी स्क्वायर. अब तुम बोलोगे ये कैसे आ गया, ठीक है. फिर उसका भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, टी बराबर जीरो करके पॉइंट पी पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखो, वो ये आ जाएगा ए टी स्क्वायर 280 पे. इसमें अगर हम वाई को जीरो रखते तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है. और जो बी होता है वो होता है 2a प्लस ए टी स्क्वायर कॉमा जीरो, ये भी हमने याद कराया था, ठीक है. और फिर हमने ये बताया था कि इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, ठीक है, अगर मैं इसको फोकस से ज्वाइन करूं S विच इज a कॉमा जीरो, ठीक है. तो फोकल डिस्टेंस a प्लस ए टी स्क्वायर होता है, ये याद रखना था. ये डिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है a प्लस ए टी स्क्वायर है, और ये भी अब a प्लस ए टी स्क्वायर हो गया. उसका मतलब क्या है कि जो S है वो ए बी का मिड पॉइंट हो गया, ठीक है. ये तो हमने ऐसी प्रॉपर्टी बताया था, ठीक है. उस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ क्या हो सकता है, उसने बोले C इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल थ्रू पॉइंट्स P A B. तो जो P A B ये जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर क्या कहाँ पे होता है, हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट पे. तो जो ये हमने बताया ना A प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है, A प्लस ए टी स्क्वायर, इस बात का यूज़ कहाँ पे आएगा कि हमने तुरंत पहचान लिया कि फोकस ही सेंटर है सी. तो अगर मैंने वो रिजल्ट याद कर रखे हैं जो हमने बार बार बोला था पैराबोला के लेक्चर अगर जाके देखोगे, तो उसमें हमने बार बार ये समझाया था कि रिजल्ट याद करोगे तो क्वेश्चन हमारा थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ये ठीक है, सारा कुछ स्क्रैच से हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है. ये वाली चीज़ हमने मतलब डायग्राम में कुछ ऐसे भी बताया था कि ये और ये 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 चारों क्वान्टिटी बराबर हैं, चारों क्वान्टिटी किसके बराबर हैं, ए प्लस ए टी स्क्वायर के बराबर, ठीक है. फिर अगर हम इस ट्राइंगल में आ जाएं, तो ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, अगर हम इस ट्राइंगल में आ जाएं तो ये आइसोसेलस ट्राइंगल हो गया, फिर वहाँ पे हमने कहा था कि ये थीटा होगा, ठीक है, फिर ये थीटा होगा. रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पढ़ाया था उस टाइम पे, बोला था कि ये भी थीटा होगा, ठीक है. फिर हमने बताया था कि ये 2θ होगा. ये तो मैं तुम्हें ऐसे ही रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि अभी एडवांस भी बचा हुआ है, ठीक है. खैर एनीवेज, क्वेश्चन में इसने अल्टीमेटली क्या बोला कि एक पॉइंट पी लिया, ठीक है, विच इज 16, 16, वहाँ पर मैं टेंजेंट और नॉर्मल खींचा, उसने एक्सिस को ए और बी पे कट किया, ठीक है, रेस्पेक्टिवली सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो उस प्रॉपर्टी पढ़ाने का हमने क्या बोला था, क्या फ़ायदा हो सकता है कि मेरे को डायरेक्टली ये पता लग गया कि फोकस ही सेंटर होगा, ठीक है. सी पी बी बराबर थीटा, तो इसको हमने सी बोला है, तो सी पी बी का मतलब क्या है, ये एंगल उसने थीटा बोला है, ठीक है. अच्छा, मैंने यहाँ गलती से थीटा बोल दिया, तो अब लेट्स चेंज इट, ये तीनों एंगल अल्फा है, ठीक है. और इस जगह से इस लाइन का स्लोप टेन अल्फा कितना हो जाएगा, 1/t, ठीक है. अच्छा, ये थीटा के बारे में बात कर रहा है, तो टेन थीटा हमें चाहिए, ठीक है. ये एंगल 90 डिग्री है, तो अल्फा और थीटा एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंटरी हो गया, ठीक है. तो उसका मतलब सीधा सीधा कितना हो गया कि टेन थीटा
इज इक्वल्स टू 10, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 माइनस अल्फा, ठीक है, ये पूरा 90 है, इसमें से अल्फा निकाल दें तब ये थीटा बचेगा विच इज कॉट अल्फा, और टेन अल्फा हमने बता रखा है 1/T, सो दिस इज टी, और टी का वैल्यू भी हमने अभी यहां पे निकाला था, टी इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो टू, अच्छा, मैं भी तो गड़बड़ क्या हो गया, हमने ए यहां पे कितना बोला था 4, तो ए 4 होने से ये टी बराबर 2 आएगा, सॉरी, ठीक है, वो तो अच्छा हुआ यहां पे 4 ऑप्शन नहीं था, मना मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से 4 हम आंसर मार के चले जाते हम, मतलब मैं, तो टी का वैल्यू फाइनली कितना है 2, सो आंसर इज 2, ठीक है। अगर इसमें मैं एक एक कैलकुलेशन करने बैठ जाऊं तो आई विल फील गेट दिस इज वेरी लेंथी क्वेश्चन, ये ठीक है, बट अगर तुमने मतलब दोज हु वॉचेज माई वीडियोज, अगर वो ध्यान से सुना है और जो बताया गया था वो अगर फॉलो किया है, तो यू विल अंडरस्टैंड कि अगर मैंने रिजल्ट बहुत अच्छी तरीके से याद कर रखा है तो केवल डायग्राम बना के विदाउट पेन चलाए, ये ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैथमेटिक्स में बहुत कम आता है जिसमें विदाउट पेन चलाए आंसर बता दें, इसमें हम आंसर बता सकते थे विदाउट पेन चलाए, ठीक है, और अगर हमने रिजल्ट अच्छी तरह से याद कर रखा है तो शायद इसमें हमें 1 मिनट लगता, ठीक है।